तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 9। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राहम चला गया जैसा कि प्रभु ने उसे कहा था और लोत उसके साथ गया। जब अब्राहम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 वर्ष की थी। अब्राहम अपनी पत्नी सारा तथा अपने भतीजे लोत को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारान में मिल गए थे। वे कनान देश चले गए। वहां पहुंचकर अब्राहम ने सिखेम नगर तक, मोरे के बलूत तक उस देश को पार किया। उस समय कनानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं ये देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। अब्राहम ने वहां प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। उसने वहां से बेतेल के पूर्व के पहाड़ी प्रदेश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतेल और पूर्व में आए था। उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। इसके बाद अब्राहम जगह जगह पड़ाव डालते हुए निगेव की ओर आगे बढ़ा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वह लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखता रहता है। अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु की कृपा दृष्टि उसके भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से ये आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। अनुवाक्य।
धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष, अलेलुया, अनुवाक्य, अलेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और साक्षात्य है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। अनुवाक्य, अलेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 7 पद संख्या 1-5 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, दोष ना लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस रीति से तुम दोष लगाते हो उसी रीति से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आँख की दरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आँख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख की धरन निकाल लो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।